हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है दिन है शुक्रवार और टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो आज मैंने अपने बाल को धुला हुआ था तो सोचा चलो सुबह सुबह अपना डेली रूटीन शुरू कर देते हैं। और तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैं बाल बना रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा सिंपल सा मेकअप करूँगी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। और आज जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। सो गाइस, चलो अब चलते हैं किचन में। हमारे जो हस्बैंड जी हैं जा रहे हैं ऑफिस, तो उनके लिए हमने चाय बनाया था, ये देखो। चाय हमारी बन गई है तो इसे हम दे देते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है ना। और देखो कैसे लग रहे हैं, आज बाल भी धुले हुए हैं, भैया रो रहे हैं। चलो आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे घुमा देते हैं छत पे, ये देखो। तो गाइज, मैंने भैया को मालिश कर दिया है और इसके बाद अब हम इन्हें कपड़े पहना रहे हैं। और कपड़े पहनाने के बाद हम जाएंगे तुरंत चाय लाने और नाश्ता, जो कि इनके पापा जो है ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पानी पी रहे हैं बिस्किट खा के। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि इतनी बड़ी गिलास में जो है भाभी ने चाय दिया है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और पानी था। तो बाप और बेटे मिल के खा रहे हैं बिस्किट, तो खाने के लिए भैया भी जिद करते हैं अब तो। और क्योंकि अब इन्हें दांत वगैरह आना शुरू हो गया है, 2-4 दांत आ रहे हैं इनको, तो खाने की जिद करने शुरू कर दी हैं। तो मैं थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, मतलब जैसे दाल का जूस हुआ वही थोड़ा सा खिला देती हूँ। को ले ले, नहीं तो चाय नहीं पीने देंगे। तो चाय तो पी लिए हैं, अब इन्हें हम छोड़ देते हैं गेट के पास तक, मतलब गेट का मतलब वही होता है दरवाजे के पास, इन्हें नीचे तक छोड़ना है। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाभी गेट मतलब कौन सा गेट, नीचे वाला या फिर आपका दरवाज़ा, तो हम दरवाजे तक ही छोड़ेंगे और आप फिर जा रहे हैं लेट हो जाएंगे। चलो आप लोग भी इनसे मिल लीजिए, ठीक है? अभी हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बंदे हो गई, गेट बंदे हो गई। तो गाइस, चलो छत पे चलते हैं कपड़े डालने के लिए, क्योंकि सुबह ही हमने धुल लिया था। हमने आपको बताया ना कि हमारी जानवी आने वाली है, तो सोच रहे हैं सारा काम निपटा लें उनके आने से पहले। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही यार तो खुशी समा नहीं रही थी, तो हमने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। धूप बहुत तेज है और जो कपड़े थे वो सूख गए हैं, उसे उतारना है और जो गीला कपड़ा है उसे फैलाना है। तो भाई, जब चलते हैं नीचे, क्योंकि छत पे आंटी आ गई थी ना, तो इसलिए मुझे कैमरे को ऑफ करना पड़ा। तो चलो चलते हैं रूम में।
फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस इस समय हम आए हुए हैं किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो इसकी रेसिपी हमने कई बार शेयर की है तो मैंने आज जो है शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। अगर आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, अगर सीखना है मेरे तरीके से, तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। तो चलो फटाफट हम जो है सब्ज़ी को बना लेते हैं। और इस साइड मैंने दाल को गैस पे चढ़ाया हुआ है। और तो दोस्तों चलो हम जल्दी से खाना बना लेते हैं, नहीं तो घर से सभी लोग आ जाएंगे। जान भी तो अकेले आ नहीं रही हैं, आप लोग को पता है कितनी दूर से जान भी अकेले आने वाली नहीं है। उनके साथ जो है चाचा हैं, मम्मी हैं, पापा मतलब सॉरी पापा नहीं हैं, बाबू हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं जल्दी से खाना बना लें उनके आने से पहले। और यहाँ पे देखो हमारी मस्ती भी चालू हो रही है बीच बीच में, क्योंकि खुशी बहुत है ना जानवी की आने की। तो इसीलिए तो अभी मैं आप ड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा, तो चलो साड़ी पहन लेते हैं। ये देखो हमने साड़ी पहन लिया है, सूट निकाल के साड़ी पहन लिया है, क्योंकि चाचा भी आ रहे थे ना, तो इसीलिए हमने साड़ी पहन लिया है। वैसे सूट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन खुद को जो है एक अजीब सा लगता है। तो ये देखो आप लोगों से बातें करते करते हमारी रोटियां भी सेक चुकी हैं। और देखो मम्मी आ गई और जानवी भी आ गई, मिल लीजिए जानवी और मम्मी से भी। चलो सबको नाश्ता पानी दे देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मेरा कल जो है ब्लॉग नहीं गया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जानवी हमारी जो है कल ही आ गई थी, लेकिन कल मैंने नहीं शेयर कर पाया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सोचा चलो सुबह एडिट करेंगे, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करके डाल देंगे। और यहाँ पे देखो अभय जी खेल रहे हैं, और चलो आप लोग भी इन लोगों के साथ एंजॉय कर लीजिए। हम आप लोगों से ना थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग को ना अपने चाचा से मिलवा देंगे, नहीं तो अभी वो चले जाएंगे और आप लोग मिल भी नहीं पाओगे। बाबू तो हमारे रहेंगे, मम्मी भी रहेंगे, जानवी भी रहेंगे, लेकिन चाचा लोग जो हैं चले जाएंगे। और यहाँ पे देखो हमारे बाबू जी लेटे हुए हैं, उन्हें डॉक्टर ने उठने को मना किया है कि आप जो है बिस्तर से उठना मत, हमेशा लेटे रहना, क्योंकि आँख का ऑपरेशन है। तो बाबू जी रोने लगे, तो उनके रोने से सब रोने लगे। और चलो हम आप लोग से किचन में मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने जानवी से हमारी मिल लिया। देखो आ रही पानी माने और पानी मांग रही है पीने के लिए, देखो पसीने की हालत। कौन सा पानी लोगे, दूसरा पानी दे दे यार। आ गई हमारी गुड़िया रानी। तो अभी जस्ट हम खाली हुए हैं, क्या लोगी? तो गाइस चलो देख लेते हैं कि हमारे हमने जो कपड़ा फैलाया था वो सूखा हुआ है कि नहीं। ये देखो सूख गया है और चारों तरफ फैला हुआ है, हवा से ना सब गिर गए थे नीचे यार। तो आप लोगों ने देखा ही कि हमारे घर के सभी लोग चले गए हैं, मतलब चाचा लोग चले गए हैं, बाबू और मम्मी हैं। बाबू को दिखाना है। हाँ हाँ हाँ, उठाओ उठाओ, जानवी है, कपड़ा उठा रही हैं, कह रही मम्मी उठाओ, ये देखो। सारा काम तो यही कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो खड़े होके आप लोगों से बात कर रहे हैं। दो मुझे दो, जान भी मुझे दो, पापा का कपड़ा है।
दो। तो सबको हमने खाना खिला दिया था। उसके बाद खाना खाने के बाद चाचा चले गए और बाबू अभी हैं, वो रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद जाएंगे बाबू। क्योंकि और यार बाबू लेके जाएंगे जाह्नवी को दोबारा, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे बाबू जी। इनके लिए रो रहे थे, बोले कि मैं जाह्नवी को छोड़ूंगा नहीं, अपने साथ लेके जाऊंगा। कपड़ा नहीं पहनी है, देखो क्या कर रही हो, दिखा दें आप लोग को। ये देखो सब कपड़े उतार। तो गाइस चलो चलते हैं, और अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि ये जो ये वाला वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है, और अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली सुबह। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।